हमने ये देखा कि जो दो लेंसेज, दो स्फेरिकल लेंसेज जिन्हें हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक डाइवर्जिंग है, एक कॉन्वर्जिंग है। मतलब सिर्फ इतना फर्क कि हमने एक को सर्कुलर सर्कुलर इस तरह से काटा बल्जिंग आउटवर्ड्स, और एक को अंदर की तरफ से काटा, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। एक जो लेंस है वो डाइवर्ज करने लगा, लाइट को दूर भेजने लगा, और दूसरा कॉन्वर्ज करने लगा, पास में लाने लगा। सिर्फ इस कटिंग की वजह से ये दोनों लेंसेज बिल्कुल ही बदल गए, बिल्कुल ही इन दोनों की प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, एक डाइवर्जिंग हो गया, एक कॉन्वर्जिंग हो गया। नाउ अभी हमने टर्मिनोलॉजीज में जो डिस्कस किया था, दैट इज अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नाउ और हमने, याद कीजिए जब हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, तो इन चार टर्मिनोलॉजीज के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, जिसका हमने नाम दिया था फोकस। फोकस वॉज अ टर्मिनोलॉजी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब मिरर के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश की थी, तब उस इमेज फॉर्मेशन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि लेंस जो मिरर होता है, जब एक लाइट रे पैरेलली आके उस मिरर को स्ट्राइक करती है तो वो फाइनली फोकस से पास हो जाती है। इस तरह से हमने फोकस को डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो लेंस बिल्कुल ही अलग तरह के हैं। वहां पे जो लेंस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, लेकिन भले ही एक इनवर्ट इनवर्ट जो था रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक का आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग था, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम थी और एक फोकस डिफाइन करने से हमारा काम चल गया था। लेकिन इस वक्त हमारे पास दो अलग तरह के लेंसेज जो हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी काफी अंतर है, इसीलिए हम इन दोनों के लिए ये टर्म फोकल लेंथ अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू डिफाइन द फोकल लेंथ टर्म। फर्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। आई विल राइट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फोकल लेंथ। नाउ फोकल लेंथ डिस्कस करने के पहले एक पॉइंट, जो फोकल लेंथ के लिए पहले एक पॉइंट जिससे हम फोकल लेंथ नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। उस पॉइंट को जहां से फोकल लेंथ नापी जाती है उसे हम कहते हैं फोकस। दिस फोकल लेंथ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन मिरर एज वेल एज इन लेंसेस, क्योंकि जब आप अपने ग्लास का नंबर बताते हो तो ग्लास का नंबर, आपके स्पेक्स का नंबर जो होता है वो आप कैसे बताते हो, +0.5, +7.5, -2.5, ये सभी ग्लास के नंबर क्या है, ये सभी ग्लास के नंबर इज बेसिकली पावर ऑफ दिस ग्लास। दिस इज बेसिकली अ लेंस, तो ये इस लेंस का पावर है। और ये पावर बना कैसे है, ये पावर बनता है डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ। मतलब इस ग्लास के लिए इसका फोकल लेंथ ही सब कुछ है, एक लेंस के लिए उसका फोकल लेंथ ही उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि फोकल लेंथ किस तरह से है। दो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूं, दो डिफरेंट कॉन्वेक्स मिरर, तो मैं उनमें डिफरेंस कैसे पता करूंगा, मैं डिफरेंस पता करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोकल लेंथ। चलिए डिस्कस करते हैं फोकल लेंथ को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फोकस को डिफाइन करते हैं। नाउ अब देखिए, हमने ये सीखा था कि जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस में हमने एक C1 और C2 ऐसा करके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किए थे। सॉरी, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ऐसे करके दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया था, दो डिफरेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम डिफाइन करेंगे फोकस, लेकिन फोकस कहाँ हो सकता है, फोकस तो दोनों जगह हो सकता है। मैं इस लेंस को ऐसा रख के देखूं तो यहां से फोकस दिखेगा, ऐसा उल्टा रख के यहां से देखूं ऐसा तो यहां से मुझे फोकस दिखेगा, फिर मैं फोकस को डिफाइन कैसे करूंगा। तो फोकस को हम डिफाइन करते हैं दो अलग टर्म्स में। तो हम कहते हैं कि इस लेंस के लिए दो फोकसेस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकेंड फोकस। सो फर्स्ट फोकस को हम इस तरफ मार्क करते हैं, किस तरफ, फ्रॉम द
फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दिस, और यू कैन से लेफ्ट साइड फ्रॉम योर व्यू, आपके व्यू से फ्रॉम लेफ्ट साइड इस तरफ मार्क करेंगे, दिस पॉइंट इज फोकस. दिस पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. इस पॉइंट को हमने नाम दिया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. एंड इस पॉइंट को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं. हम डिफाइन करेंगे कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ये वो पॉइंट है जहां पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं, जहां पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी. किस तरह से डिफाइन किया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट है इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए. वी विल डिफाइन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की जो डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ये स्पेसिफिक टू कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस में अप्लाई नहीं होगी. कॉन्केव लेंस में डेफिनेशन बदल जाती है, पॉइंट भले ही वही रहता है लेकिन डेफिनेशन बदल जाती है. तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट है जहां पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसकी इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी. ये किस तरह से होगा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. वी विल ड्रॉ दिस लेंस समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ हमें इसे ड्रॉ करते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेट अस से दिस इज दिस फोकस एफ वन. सो हम ये कहते हैं कि इस फोकस पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो ठीक है, हमने इस पॉइंट पे एक टॉर्च रख दी, एक छोटा सा बल्ब रख दिया. अब इस बल्ब की क्या होगी, इस बल्ब से निकलने वाली लाइट रेस इस लेंस पे जाके टकराएंगी और टकराने के बाद उसकी रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे अलग अलग डायरेक्शंस पे मूव करेंगी. लेकिन हमने पढ़ा है कि ये जो लेंस है दिस इज बेसिकली अ कॉन्वर्जिंग लेंस. ये लाइट इसके ऊपर गिरने वाली लाइट को कॉन्वर्ज कर देता है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, बेंड कर देता है. तो देखते हैं किस तरह से होता है. जो भी लाइट रेस इस फोकस से इस बल्ब से निकल के इस लेंस की तरफ जाएंगी इट विल गो समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरह से ये जाके इस लेंस को स्ट्राइक करेंगी समथिंग लाइक दिस. और हमने क्या कहा कि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट रेस किस तरह से जा रही है, ऐसा बाहर की तरफ ऐसा फैल रही है. ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्वर्जिंग लेंस मैंने बीच में रख दिया तो लाइट रेस ऐसा फैलने के बजाय इस तरह से मूव करने लगेंगी एंड यू विल फाइंड फाइनली ये लाइट रेस कुछ इस तरह से मूव करने लगेंगी. दैट इज आई विल से कि ये लाइट रेस इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन के बाद, इस मिरर से लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलली आगे की तरफ मूव करना शुरू करेंगी. तो हम ये कहेंगे कि इस बल्ब की जो लाइट रेस थी वो क्या थी, वो ऐसी बाहर जा रही थी, लेकिन इस लेंस को बीच में रखने से वो कॉन्वर्ज हो गई और सामने की तरफ जाने लगी. और अब क्योंकि ये लाइट रेस पैरेलल है इट मींस ये कहां पे जाके मीट करेंगी, ये लाइट रेस मीट करेंगी एट इंफिनिटी. इंफिनिटी जो कि बहुत दूर, इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड नहीं, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर वाली कोई जगह. जैसे कि इस लेंस को मैंने यहां रखा है, यहां से आप कुछ 10 मीटर दूर चले जाइए तो 10 से 15 मीटर दूर जो पॉइंट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटी फॉर दिस लेंस. ओके, सो आई विल से कि ये जो लाइट रेस पैरेलली निकली हैं ये लाइट रेस इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी. और अगर ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो हम कहेंगे कि इस बल्ब का, ये जो बल्ब हमने यहाँ पे रखा था ऐसा, इस बल्ब की इमेज फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी. ओके, दिस बल्ब्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, एक लेंस लिया आपने और एक बल्ब लिया. अब इस बल्ब को आप धीरे धीरे ऐसा आगे या पीछे मूव कराइए तो जिस पॉइंट पे भी बल्ब आने से ये इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. सो किस तरह से डिफाइन करें, इट इज अ पॉइंट
ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच इफ वी कीप एन ऑब्जेक्ट देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब इस बल्ब की इमेज हमें इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी। हेंस हम इस पॉइंट को कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और अब हमने कहा था कि ये जो पॉइंट होता है दिस इज बेसिकली पोल, दिस इज बेसिकली पोल, बिल्कुल मिड पॉइंट इस एपर्चर का। और ये जो फोकस है ये कहां पे लाई कर रहा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या मैं एफ वन और इस पी के बीच की दूरी को नाप सकता हूं? यस आई कैन मेजर दिस, ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे हैं, इसलिए मैं इनकी दूरी बिल्कुल ऐसे सीधी नाप सकता हूं। तो ये जो दूरी है एफ वन पी, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, और वी कैन से फर्स्ट फोकल लेंथ। तो टर्म कैसी बन गई, फर्स्ट फोकल लेंथ एफ वन, एफ वन इज वॉट, एफ वन इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ वन पी, स्मॉल एफ वन इज द फर्स्ट फोकल लेंथ एंड इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन दिस फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिफाइन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हमने अभी समझा क्यों होता है, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई देते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सर्फेस ये है एक सर्फेस ये है, दोनों सर्फेसेस सिमेट्रिकल है, सर्क्यूलर है, स्फेरिकल है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था ऐसा ही एक होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ये टर्म होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए डिफाइन करते हैं इस टर्म को। हमने ये देखा कि जो ये मेरा लेंस है, इस लेंस पे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस वक्त लाइट रे एक पॉइंट से आ रही थी जहां पे हमने एक बल्ब जलाया, और ये लाइट रेस फाइनली आते आते रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल हो चुकी है और इन्फिनिटी पे इमेज बना के दे देंगी। लेकिन अगर ये लाइट रेस जो कि इंसिडेंट है ये पैरेलल ही आए तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये लाइट रेस अगर पैरेलल ही इस लेंस को स्ट्राइक करे तो तब क्या होगा, क्या तब भी कॉन्वर्जिंग होगी? हाँ, कॉन्वर्जिंग तो हमेशा होगी, जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे उसमें कॉन्वर्जिंग हमेशा ही होगी। हमेशा ही कोशिश कीजिए जब भी आप कॉन्वर्जिंग लेंस बनाते हैं तो जो लाइट रे आप बना रहे हैं वो टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होती हुई दिखे। ऐसा ना हो कि आप कॉन्वर्जिंग लेंस बना रहे हैं और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती हुई दिखे, इट्स नॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रेज इस तरह से आके इस लेंस को स्ट्राइक करती हैं बिल्कुल पैरेलली, क्या ये सीधी चली जाएंगी? ऑब्वियसली नॉट। सीधी क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि ये कर्व सरफेस है और ये मीडियम अलग है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। तो क्या सिर्फ लेटरल शिफ्टिंग होगी? नहीं। लेटरल शिफ्टिंग कब होती है? जब दो सर्फेसेस बिल्कुल पैरेलल हों, दो डिफरेंट सर्फेसेस, दो मीडियम के सर्फेसेस बिल्कुल पैरेलल हों, तब आपको दिखाई देगा कि लेटरल शिफ्ट होता है, जैसा कि रेक्टेंगुलर स्लैब में। लेकिन यहाँ पे सर्फेसेस कर्व है, मीडियम भी अलग है, और क्योंकि ये मीडियम कॉन्वेक्स शेप का है, आप देख सकते हैं बल्जिंग आउटवर्ड्स है, तो यहाँ पे ये लाइट रेस सीधी जाने के बजाय इस तरह से बेंड हो जाएंगी टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। और फाइनली हम देखेंगे
कि ये बेंड होने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं एंड वी विल डिफाइन दिस पॉइंट एज एफ टू, दिस इज पोल एज एफ टू। तो एफ टू क्या हुआ? एफ टू वो पॉइंट है जहां पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वर्ज हो जाती है। तो दिस इज द एफ टू एंड वी विल डिफाइन दिस एफ टू एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कॉन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। इट इज अ पॉइंट ऑन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कॉन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब ये ऐसे जाते जाते रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से कॉन्वर्ज हो जाएगी एंड फाइनली ये जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उसे हम कहेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किस में डिफाइन हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन हुआ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, कि एक ऑब्जेक्ट रखा है उससे लाइट जा रही है। लेकिन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन हुआ? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इमेज। एक इमेज के टर्म में हमने सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन किया एंड फाइनली जो पी एफ टू है, पी एफ टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज एफ टू, दैट इज सेकेंड फोकल लेंथ। वी विल डिफाइन दिस डिस्टेंस एफ टू एज सेकेंड फोकल लेंथ। दिस इज द सेकेंड फोकल लेंथ एंड दिस इज एफ वन बी, दिस इज द फर्स्ट फोकल लेंथ। इसे हम कहते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ और इसे हम कहते हैं सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, सो यू कैन नोट दिस।